ये घर है ममता वालों का, ये ममता बैठी हुई हैं और इनका घर ये पूरा पूरा आप देख सकते हैं, ये इनका घर है, काफ़ी टाइम से यहीं पे रह रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा यूनिक होने वाला है क्योंकि मैं और अंकल भूरालाल बिटशाही को आप जानते ही हैं, तो ये सूफी सॉन्ग सिंगर सर भगत भूरालाल बिटशाही से नाम से फेमस है और ये भी भगत भूरालाल है, तो दोनों भूरे भूरे अभी साथ में। तो आज अंकल जी मुझे लेके आए हैं एक छोटा सा टैलेंट दिखाने के लिए, तो अभी वो टैलेंट भी देख लेते हैं। तो ये है ममता, तो इनकी आवाज़ हम सुन लेते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार आवाज़ है, आज मैंने पहली दफ़ा आवाज़ सुनी। चलो भाई इनकी आवाज़ सुन लें और आई होप यू विल लाइक दिस वन। और मैंने तो पहली नज़र में भाई एक लाइन शुरू की तो मैंने तो बस बोलते हैं ना यहाँ लगी साला, तो उस वजह से अभी आप लोगों के साथ भी शेयर करते हुए चलते हैं और सुने हैं एंड तक। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरे चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है, ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हमको लाती है। ओ पिया सानी धा, मदनी सा 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 मदनी सा
ये थी ममता बहन की आवाज। तो ममता कब कितने टाइम में सीखा ममता? बचपन से शौक है सीखने का। तो ममता से हम पूछ लेते हैं भाई कितना टाइम लगा सीखने। वैसे रियली बताऊं 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे आते हुए, लेकिन मुझे आज पता चला है 4 साल के बाद, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन बहरहाल आवाज़ बहुत ही तगड़ी वाली, आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। लेकिन ममता से पूछ ले, ममता शौक है छोटे से? किसको देख के शौक हुआ? संगीत को देखकर। संगीत नहीं बल्कि बाबा या कि अशोक भाई? अशोक को, बाबा को देखकर। अच्छा अशोक, असल में क्या इनकी फैमिली में सबके सब सिंगर हैं, अशोक भगत बड़ा नाम है और भूरालाल भगत वो भी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। लेकिन ये जो अभी न्यू टैलेंट आ रहा है काफ़ी मज़ेदार, और आप लोग आने वाले कोशिश करते हैं कि अगर इंडिया साइड से कोई भी मतलब ऑफर पे, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट का वो नहीं हो रहा सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिंगर मैंने देखे हैं, अशोक भाई है और ये अभी ममता, आप देखें भाई कौन इनको जीतता है, इनकी आवाज़ किसको पसंद आती है, वो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं भाई क्या होता है। और उनकी मम्मा से मिलाते हैं, और ये छोटे बच्चे यहाँ पे भाई के बेटे हैं, और ये पप्पा जी हैं, ये ममता के बाबा हैं। तो इनका आपको आवाज़ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर हैं भगत भूरालाल बिटशाही, आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा आवाज़ लगा। क्या बोलते हैं अभी, क्या लगता है लड़की आगे जाएगी? बिल्कुल आगे जाएगी। जाएगी हमारे तो अंकल भूरालाल को कुछ ज़्यादा, क्योंकि बचपन से ये गाते आ रहे हैं, और शाह लतीफ़ साहब की जो भाई है वो गाते हैं, उनको ज़्यादा मालूम है कि भाई इनका आवाज़ कैसा है। तो अभी भगत साहब ने मुझे बोला बाबा इनको आप सिखाओ। और हाँ एक मज़े वाली बात ये है कि ममता के जो बाबा हैं उन्होंने बोला है कि ममता आपकी बेटी है, जहाँ भी लेके जाओ जैसे सिखाओ जो भी आपके हवाले। तो अंकल भूरा जी के हवाले कर दिया है अंकल ने ममता को। तो अभी इनकी मम्मा से मिलते, चाय बना रही है हमारे लिए। तो ये ममता की मदर है। आपको ममता का आवाज़ सुन के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे लिए चाय बन रही है यहाँ पे, ये ममता की मम्मा है। तो आई होप आप लोगों को इनका टैलेंट पसंद आएगा। असल में ये दे आर फ्रॉम पुअर फैमिली, दे नीड सम सपोर्ट आफ्टर दे कैन गो अहेड। अगर आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई टैलेंट आपके सामने आ गया है, आप लोग ये वीडियो देख के आपने आवाज़ सुनी है, तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं जितना हो सकता है। तो इन्हों का ये घर है ममता वालों का, ये ममता बैठी हुई हैं और इनका घर ये पूरा पूरा आप देख सकते हैं, ये इनका घर है। काफ़ी टाइम से यहीं पर रह रहे हैं, बहुत टाइम हो गया तो इनका घर है। तो आज बड़े टाइम के बाद मेरा भी आना हुआ था, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। चलो कंडीशन ऐसी है लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं है।